गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सीआरसीसी प्रमालपुर आप अंग्रेजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे, इस लॉकडाउन में पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि आई वंडर आठवीं क्लास का पहला लेसन आई वंडर कविता का हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे डिस्कशन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, What things in the first stanza tell you that the poet is curious? Curious का मतलब होता है हमेशा जानने का उत्सुक होना, किसी भी चीज़ को की उत्सुकता, ये curiosity कहलाती है। तो question है, What things in the first stanza, कविता के पहले stanza में क्या हमें ये चीज़ बताता है कि poet बहुत curious है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यह बताती हैं कि poet बहुत ही curious है, हमेशा हर एक चीज़ जानने का इच्छुक है? कौन सी चीज़ें बताती हैं जो पोएट ने सवाल किए हैं? कौन कौन से सवाल किए हैं बच्चों? द पोएट वॉन्टेड टू नो दैट वाई द ग्रास इज ग्रीन। पोएट ये जानना चाहते हैं कि ग्रास, घास हरी ही क्यों होती है? द विंड इज नेवर सीन, और हवा कभी दिखाई क्यों नहीं देती? हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट, चिड़ियों को उनका घोंसला बनाना किसने सिखाया? And who told the trees to take rest? और पेड़ों को रेस्ट करना, आराम करना किसने सिखाया? तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस वो उनके मन में अराइज हो रही हैं, पोएट के मन में। तो ये चीज़ें बताती हैं कि पोएट बहुत ही क्यूरियस हैं चीज़ों को जानने के लिए। दिस शोज दैट द पोएट इज क्यूरियस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why do you think the speaker calls the cloud fluffy? आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि स्पीकर ने क्लाउड्स को, बादलों को फ्लफी कहा है, हल्का फुल्का कहा है? क्यों ऐसा है बच्चों? आई थिंक, या मेरा मानना है, द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फ्लफी बिकॉज द विंड ब्लोज द क्लाउड्स हेयर एंड देयर इजीली। क्यों? क्योंकि विंड, अगर ये हल्के नहीं होते, क्लाउड्स हल्के नहीं होते, तो हवा उनको आसानी से इधर उधर उड़ा के नहीं ले जाती। तो क्योंकि उड़ा के ले जाती इधर उधर, इसलिए मैं समझता हूँ कि बादल हल्के हैं। तो आई थिंक द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फ्लफी बिकॉज द विंड ब्लोज द क्लाउड्स, क्योंकि विंड जो है, हवा जो है, वो बादलों को ब्लोज यानी उड़ा ले जाती है, हेयर एंड देयर इजिली, इधर और इधर, इधर उधर आसानी से उड़ा ले जाती है। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट द पोएट इज़ क्यूरियस टू नो अबाउट, उन चीज़ों का लिस्ट बनाना है जिसके बारे में पोएट बहुत ही क्यूरियस हैं जानने के लिए। तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं बेटा, देखो क्या कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो कि पोएट क्यूरियस थे उसके बारे में। वाई द ग्रास इज ग्रीन, फर्स्ट नंबर। वाई द विंड इज नेवर सीन। हाउ द बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट, हु टॉट देम, यानी चिड़ियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया। और हु टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, ट्रीज को आराम करना किसने सिखाया। वेयर द मिसिंग बिट ऑफ मून बी फाउंड, और मून का जो आधा टुकड़ा जो मिसिंग था वो कहाँ पाया जा सकता है, कहाँ गया वो। हु लाइट्स द स्टार्स, स्टार्स को कौन जलाता है। हाउ द रेनबो हैज इट्स डिफरेंट कलर्स, रेनबो में डिफरेंट कलर्स कैसे हो जाते हैं। हु पेंटेड इट, और कौन उन्हें पेंट करता है। How the clouds floated in the sky, और clouds तैरते कैसे हैं आकाश में। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं पोएट के मन में। तो जो बताते हैं कि ये क्यूरियस है कवि इन चीज़ों को जानने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who do you think is the I in the poem? आप क्या सोचते हैं, I जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, जैसे I wonder, तो I ये किसके लिए है, पोएट के लिए है। इसमें पूछा गया है कि अ चाइल्ड और एन एडल्ट, तो ये आय है एक चाइल्ड के लिए इस्तेमाल किया गया, बच्चे के लिए, या फिर एक एडल्ट पुरुष के लिए, मैंने एडल्ट के लिए यानी वयस्क व्यक्ति के लिए, बड़े के लोगों के लिए। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, जो आप सोचते हैं उसके लिए रीज़न भी देना है, कारण भी देना है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये आय जो है, इट इज़ यूज फॉर अ चाइल्ड। वाई, बिकॉज द वंडर, बिकॉज ही वंडर एंड थिंक अबाउट द थिंग्स सराउंडेड हिम लाइक अ चाइल्ड, क्योंकि वो
उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो उनके इर्द गिर्द हैं, वातावरण में, उनके वातावरण में है, उनके आसपास हैं। जैसे एक बच्चे सोचते हैं, जो भी अपने आसपास चीज़ें देखते हैं वो सोचते हैं बच्चे कि ऐसा क्यों है, ये क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो भी एक बच्चे के समान सोच रहे हैं जो उनके सराउंडिंग्स में थिंग्स हैं उसके बारे में। एंड ही इज़ वेरी क्यूरियस टू नो द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस अराइज इन हिज माइंड, और वो बहुत ही क्यूरियस हैं, वो बहुत ही उत्सुक हैं उनके दिमाग में जो क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, उसके आंसर्स को जानने के लिए, उसके उत्तर को जानने के लिए। तो इससे पता चलता है कि वो एक बच्चे थे तभी इन्होंने ये कविता लिखी थी, या अपने बचपन को के बारे में सोच कर कि जब मैं छोटा था तो मैं इन चीज़ों के बारे में कैसे सोचता था, उन्होंने कविता लिखी। What opinion do you form about the speaker? आप स्पीकर के बारे में अब क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं? I think the speaker is a thinking boy. मैं ये सोचता हूँ कि स्पीकर एक थिंकिंग बॉय, यानी विचार करने वाले व्यक्ति हैं, एक लड़का है। ही सॉ एवरीथिंग सराउंडेड हिम, वो अपने आसपास की सारी चीज़ों को देखते हैं बहुत ही वेरी कीनली, यानी कीनली, कीनली का मतलब होता है बहुत ही वो माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी वो बहुत ही ध्यान से उसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं। एंड ही इज़ वेरी क्यूरियस टू नो द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, और वो बहुत ही क्यूरियस हैं, बहुत ही उत्सुक हैं इन क्वेश्चंस को का आंसर जानने के लिए। ही इज़ नॉट सेटिस्फाई ओनली टू सी एवरीथिंग, बट ही हैव अ टैलेंट टू थिंक अबाउट दोज हैपनिंग्स एंड वेरी क्यूरियस टू नो देयर रीजंस। ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड ओनली टू सी एवरीथिंग, वो केवल सारे चीज़ों को देखने मात्र से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, बट ही हैव अ टैलेंट टू थिंक अबाउट दोज हैपनिंग्स, जबकि उनके बल्कि उनके पास ये काबिलियत भी है कि वो क्यों हो रहे हैं इसके बारे में भी सोचने में। केवल देख लिया हमने, फिर उसके बारे में हमने कुछ नहीं सोचा, वो क्यों हो रहा है, क्या है वो, फिर हम सोचते नहीं। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं थी कवि के संग, वो देखते भी थे और उसके बारे में, उस हैपनिंग्स के बारे में, उन इवेंट्स के बारे में सोचते भी थे कि ये कैसे हो रहा है। सॉरी बच्चों। एंड वेरी क्यूरियस टू नो देयर रीजंस, और उसके कारण के बारे में भी वो सोचते थे। आई थिंक द स्पीकर इज अ साइंस लविंग बॉय, मुझे मेरा मानना है कि वह एक विज्ञान के को प्रिय, विज्ञान के चहेते हुए लड़के थे। यानी चहेते का मतलब यहाँ हुआ कि वो विज्ञान को बहुत पसंद करते थे, विज्ञान में उनकी रुचि थी। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, व्हाट डज द क्वेश्चन इन द एंड सजेस्ट अबाउट द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज डैड। जो लास्ट में जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है कवि के मन में अपने पिता के प्रति, तो क्या बताता है उनके एटीट्यूड के बारे में, उनके आचरण के बारे में क्या बताता है अपने पिता के प्रति, वो क्या किस तरह का व्यवहार रखते थे, क्या सोचते थे अपने पिता के बारे में, मतलब ये है। आंसर है, द स्पीकर वॉन्टेड टू नो द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन ही आस्क्ड टू हिज डैड एंड ही नोज दैट हिज फादर नोज देयर क्वेश्चन देयर आंसर्स, बट हिज फादर इज नॉट इंटरेस्टेड टू गिव आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चंस। द स्पीकर वॉन्टेड टू नो द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस, स्पीकर उस क्वेश्चंस का, इन सारे जो अराइज हो रहे थे उनके मन में क्वेश्चंस, उसके आंसर्स को जानना चाहते थे। ही आस्क्ड टू हिज डैड, वो अपने पिता से पूछते भी थे, एंड ही नोज दैट हिज फादर नोज देयर आंसर्स, और वो ये भी जानते थे कि उनके फादर उसका आंसर जानते हैं, बट हिज फादर इज नॉट इंटरेस्टेड टू गिव आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चन, लेकिन वो ये जानते थे कि उनके फादर इंटरेस्टेड नहीं है, कोई रुचि नहीं है उनके उनके सवालों का जवाब देने में। ठीक है, तो ये इसके क्वेश्चन आंसर्स है बच्चों। मैं इस क्वेश्चन आंसर्स को PDF के रूप में भी आपके ग्रुप में भेज दूंगा, आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे, और अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से संपर्क करेंगे, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा इसको समझने में। धन्यवाद बच्चों। अगले वीडियो में मैं कुछ इसके ग्रामर पोर्शन को लेके आऊँगा। टिल देन गुड बाय।